अयोध्या के राम मंदिर में विराजमान होने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इन दिनों गुरुग्राम के मानेसर में विश्राम करते नजर आ रहे हैं। यानी यूं कहें कि जो मूर्ति सरयू नदी के किनारे 823 फीट ऊंची लगाई जानी है, उस मूर्ति के पायलट प्रोजेक्ट का काम गुरुग्राम में शुरू कर दिया गया है। साथ ही एक डमी मूर्ति बनाकर तैयार भी कर दी गई है, जो कि इस बात का सबूत है कि आने वाले कुछ समय में अयोध्या के राम मंदिर से सरयू नदी के बीच लगाई जाने वाली 823 फीट ऊंची मूर्ति गुरुग्राम में ही बनाई जाएगी। विश्व के मशहूर मूर्तिकार नरेश कुमावत को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। नरेश कुमावत अब तक पूरे विश्व में 220 छोटी और बड़ी मूर्तियां बना चुके हैं, जिसमें से सुप्रसिद्ध मूर्तियां गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में लगी माता की मूर्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर बनी शिव मूर्ति और अब अयोध्या की सरयू नदी के किनारे लगाई जाने वाली प्रभु श्री राम की 823 फीट ऊंची मूर्ति को तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए, हमने काफ़ी समय पहले आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मॉडल बना के दिखाया था। उनके दिशा निर्देश अनुसार एक मॉकअप हमने बनाया था, जो कि एक रूटीन प्रैक्टिस से हम करते हैं जब भी स्कल्पचर्स बनाते हैं। वो मॉडल उनके द्वारा अप्रिशिएट किया गया था। उसके बाद राम मंदिर का भी काम चल रहा है, तो अगर राम मंदिर के काम के बाद उस मूर्ति की कोई परिकल्पना को साकार रूप दिया जाएगा तो हम उसमें भाग लेंगे। और उस मूर्ति के निर्माण के संदर्भ में हमने जो हमारी तैयारियां हैं उसमें 15 फीट तक के मॉडल हमने तैयार करके अभी हमारा होमवर्क किया हुआ है। सो एज सून एज यू नो वी गेट सम सॉर्ट ऑफ ग्रीन सिग्नल, तो हम बड़ी मूर्ति बनाने में सक्षम है, बना सकता हूँ। सर, अगर आपको एक काम मिलता है तो कितना समय में तैयार होगी सर मूर्ति? 2 से 3 साल इस तरह के बड़ी परियोजनाओं में लग जाते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि अगर ये काम साकार रूप लेगा तो 2 से 3 साल में हम इस काम को पूरा कर पाएंगे। पूर्णतया स्वदेशी काम ये होगा, गुड़गांव में हम तैयार कर सकते हैं इतनी बड़ी मूर्ति को। सर, कौन कौन सी प्रसिद्ध मूर्तियां हैं जो आपके द्वारा तैयार की गई है? विश्व की सबसे ऊंची भगवान शंकर की मूर्ति मैंने तैयार की है, जो कि नाथद्वारा में लगी हुई है, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ सिटिंग शिव जी की। और उसके अलावा 125 फीट ऊंची बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति अभी हमने तैयार की है, जो कि 80 फुट ऊंचे चबूतरे पे विराजमान है। इसके अलावा गुड़गांव में आप देखें तो 121 फीट ऊंची फरीदाबाद में है, शीतला माता मंदिर में है। इसी तरह से बड़ी बड़ी मूर्तियां देश और विदेश में मैंने काफ़ी जगह तैयार की है। अभी तक मेरे काम 80 देशों के 230 से ज़्यादा शहरों में लग चुके हैं। मैं सौभाग्यशाली इस मामले में। सर, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात आपने की थी, इस मूर्ति को लेकर के क्या कुछ चर्चाएं रही सर? देखिए, महाराज जी का जो एक परसेप्शन है, एक सोच है कि एक सौम्य और दिव्य रूप भगवान श्री राम का होना चाहिए, कोदंड राम जिसे हम कहते हैं। इस विषय पे एक किताब उन्होंने मुझे भेंट की थी, जो मैं जय जय चरण पड़े रघुवर के, उसको रेफरेंस मान करके हमने मूर्ति का प्रोटोटाइप तैयार किया। पूरे देश की निगाहें आने वाली 22 जनवरी को होने वाली अयोध्या नगरी में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर टिकी हुई है। ऐसे में पूरा देश इस बात को लेकर भी निगाहें टिकाए हुए हैं कि जो 830 फीट ऊंची प्रभु श्री राम की मूर्ति अयोध्या की सरयू नदी के किनारे लगाई जानी है, वह समय कब आएगा? क्योंकि देश में प्रभु श्री राम के लिए कई सदियों तक लड़ाई लड़ी गई है। उस लड़ाई के बाद हुई जीत को लेकर उससे जुड़ी प्रभु श्री राम की मूर्ति भी उतनी ही भव्य होनी चाहिए जितनी भव्य ये जीत रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।